नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे होटल के सॉफ्टवेयर में आप कैसे क्रेडिट टू रूम कर सकते हैं। क्रेडिट टू रूम मीन्स टू से कि जैसे कोई भी कस्टमर, कोई भी गेस्ट आपके होटल में रुका हुआ है और वो होटल में रुकने के बाद वो आपके रेस्टोरेंट में भी खाना खाते हैं, तो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कस्टमर यही कहता है कि भाई हमारा जो बिल है वो क्रेडिट टू रूम कर दीजिए। तो आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ कि हमारे होटल के सॉफ्टवेयर में क्रेडिट टू रूम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको चेक इन, आपको सारे प्रोसेस पता ही है। एक बारी मैं एक रूम चेक इन कर लेता हूँ, कोई भी चेक इन को ले लीजिए। मान लीजिए उन्होंने 101 रूम सेलेक्ट किया, लिस्ट ऑफ गेस्ट पे क्लिक किया और यहाँ से गेस्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी मर्जी गेस्ट देना है मैंने। हमने कैसे, हमारे पास ये कस्टमर आया है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, यहाँ से सारे, अगर कोई एडवांस पेमेंट डालनी डाल दीजिए, अदरवाइज चेक इन कर दीजिए। सिंपल, ये हमारा चेक इन हो गया। ये देखिए यहाँ पे आपको सेंटर में पूरी लिस्ट आ रही है चेक इन। अब चेक इन करने के बाद, जैसे मैंने सपोज आपको बताया कि हमारे रेस्टोरेंट में भी ये कस्टमर ने खाना खाया, तो हम रेस्टोरेंट POS पे जाएंगे। यहाँ पे रेस्टोरेंट POS पे जाके हम POS पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे मेनू आइटम और जो भी टेबल्स हैं वो सारे शो हो जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने टेबल नंबर 5 पे कस्टमर बैठ के खाना खाया, उसने आया आलू पालक, एक शाही पनीर, एक तंदूरी रोटियाँ उसने करवाई, और करवा के हमने जस्ट सेव प्लस प्रिंट किया, हमारा KOT प्रिंट हो गया। देखते जाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा कर रहा हूँ। पूरा वीडियो अगर क्लियरली आप देखेंगे तो आपको क्रेडिट टू रूम कैसे करना है वो इजली वे में पता लग जाएगा। अब जब भी हमने KOT प्रिंट कर दी, अब कस्टमर ने खाना खा लिया, कस्टमर ने खाना खाने के बाद हमने जब भी उसका बिल बनाना है डाइन इन बिलिंग पे क्लिक करना है। जिस भी टेबल का बिल बनाना है, मान लीजिए हमने टेबल 5 किया था, हम यहाँ पे कस्टमर का नेम डिटेल सारा कुछ लिख सकते हैं। अब कस्टमर जब भी बिल बना रहे हैं वो कह रहे भाई हमारा जो बिल है वो क्रेडिट टू रूम कर दीजिए। तो ये देखिए क्रेडिट टू रूम की ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। क्रेडिट टू रूम पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी गेस्ट्स आपके चेक इन रहेंगे यहाँ पे सारी लिस्ट आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे किस गेस्ट के बिल में देना है। जस्ट सेव प्लस प्रिंट करेंगे, आपका चेकआउट का बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। चेकआउट कह रहे हो, रेस्टोरेंट का बिल प्रिंट हो जाएगा। अगर अलग से देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब मैं आपको यही दिखाता हूँ क्या ये हमारे होटल के सॉफ्टवेयर में चेकआउट के टाइम हमारे बिल पे ये अमाउंट शो करेगी कि नहीं करेगी। मैं ये दिखाता हूँ, जैसे देखिए धीमान सरकार, जब भी हम चेकआउट करने लगेंगे, ये देखिए डाइनिंग चार्जेस 550 रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गए सर। अब जो भी इनके पेमेंट्स हैं यहाँ से आप पेमेंट डाल देंगे, जैसे सपोज कीजिए बाई कैश आपने 3000 ले लिए और बाय गूगल पे इनसे आप लोगों ने 350 ले लिए। जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे और चेकआउट कर देंगे। मैं आपको बिल के ऊपर भी दिखाता हूँ कि हमारा ये पेमेंट शो होता है कि नहीं होता है। ये देखिए डाइन इन का बिल अमाउंट 550 रुपीज़ यहाँ पे भी शो हो रहा है। टोटल कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रॉपर आपका बिल आ जाएगा। तो ये हमारा रहा चेकआउट का आज क्रेडिट टू रूम का ऑप्शन कि कैसे हमारे सॉफ्टवेयर में यूज होगा। कोई क्रेडिट टू रूम कहता है, कोई रूम टू बिल कहता है, कोई बिल टू रूम कहता है, जो भी सारे एक ही शब्द है। और कोई भी किसी भी वीडियोस में अगर आपको नहीं समझ आ रहा तब कमेंट में बताइए, हम उस पर जरूर आपको वीडियोस बना के आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।